तो यहाँ पर जो है कॉलेज के एंट्रेंस का गेट बना हुआ है। सो गाइस, ये कॉलेज का मेन गेट है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्रांच की तरफ। एकदम सर्व सुविधा युक्त क्लास है ना, इनफैक्ट 2-3 लाख का महंगा भी है। यहाँ पर से एक लॉक खुलता है, देन इसके इस तरफ जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती है। लीजिए, ये है लाइब्रेरी, यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी। मशीन वगैरह है पूरा स्टडी करने के लिए। वेलकम बैक टू माई न्यू एंड अदर फ्रेश व्लॉग। हाँ जी, तो स्वागत है आपको मेरे इस नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग गाइस बेस्ड रहने वाले हैं मेरे कॉलेज ऊपर, जो कि है मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, कई लोगों ने काफी अच्छा गेस किया था मेरे लेटेस्ट व्लॉग में कि हाँ मेरा इंजीनियरिंग ही कॉलेज है ना, तो पॉलिटेक्निक किया, तो उसके बाद यही पॉसिबल हो सकता है कि इंजीनियरिंग में ही आगे बढ़ूँ। ऐसे तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, बट सच तो यही है। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, जीसी बिलासपुर का। तो आज अपने कॉलेज को पूरा टूर जो है मैं दिखाऊंगा, और मेरा एडमिशन वहाँ कैसे हुआ ये भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं खाना वाना बना रहा था, खाना लगभग बन चुका है, उसके बाद बस 10 बजेगा फिर चलेंगे कॉलेज, ठीक है। सो अभी गाइस टाइम हो रहा है 10:30, और लगभग मतलब 10:30 को क्लास लगती है हमारी, और अभी 10:25 टाइम हो रहा है, तो आज एक्चुअली हो चुके हैं लेट, और मेरा रूम पार्टनर भी कॉलेज जा चुका है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है कॉलेज निकलने का, तो चलते हैं। बाद खाना वाना मैंने खा लिया, आज भी टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने लास्ट टाइम जैसे। तो वैसे तो ये पीजी है, बट यहाँ काफ़ी सारे लड़के रहते हैं ना, इसलिए इसको हॉस्टल बोल सकते हैं, बट सारी आज़ादी ऐसा टाइप का, ठीक है, खाना वाना खुद बनाते हैं। सो गाइस, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ मेरे कॉलेज के जीसी के 2-3 लड़के और रहते हैं, लेकिन आज लेट हो गए तो वो लोग थोड़ा आगे आगे निकल रहे हैं। वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके, और यहाँ आए मेरे को तो अराउंड 1-2 हफ्ता तो हो ही गया। पहले मैंने खुद एरिया समझा, उसके बाद आपको बताऊँगा करके ना, ये सारा थोड़ा लेट से व्लॉग बना रहा हूँ। सो गाइस, कॉलोनी से निकलने के बाद जो बिलासपुर का मेन रोड है रतनपुर की ओर जाने की तरफ कोनी में, तो यहाँ पर जो है कॉलेज के एंट्रेंस का गेट बना हुआ है, और कॉलेज यहाँ से 100 मीटर दूर है। और ये मेरे दोस्त है जो जा रहे हैं दोनों, और चिल्ला रहे हैं मेरे को क्योंकि लेट हो गए। और लेट होने का वजह बताऊँ तो आज मैं जो है अपने लिए टिफ़िन भी बनाई है, क्योंकि लंच में मेरे को 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा भूख लगती थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करके लंच बनाया है, रोटी। तो ये मेरे दोस्त है राजू एंड तुलेश्वर, जो से मेरे ही पीजी में रहते हैं, और ये तो मेरा बैचमेट है, और वो भी बैचमेट है, बस इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला है। तो अभी इस तरफ 100 मीटर आगे में अपना कॉलेज आएगा। तो गाइस, इधर गेट से थोड़ा अंदर जाने के बाद ये रोड तो सीधा बिरकोना निकलता है, उसके बाद यहाँ पर से आप एक बोर्ड देखोगे ना इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो ये मेन गेट है। देन उसके बाद से एक बार और हमको राइट मुड़ना है, फिर उसके बाद जो हमारा मेन कॉलेज है वो आ जाएगा, और जो बाकी पूरा अंदर का एरिया है वो कॉलेज का कैंपस है। सो गाइस, ये अपने कॉलेज की तरफ पहुंच चुके। देन यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो साइकिल एंड बाइक वगैरह रखने का स्टैंड है, देन अपना कॉलेज। यहाँ पढ़ने के बाद ना, मेरा सच में बताऊँ तो ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट था। अभी आपको कॉलेज का पूरा जो है पूरा टूर दूंगा मैं, बट सबसे पहले तो अभी टाइम हो चुका है तो इसलिए क्लास जाएंगे, उसके बाद जब लंच होगा ना तो उसमें आपको पूरा कॉलेज दिखाऊंगा मैं। चलो रे, चलना तो क्लास, चलो गाइस। सो ये गाइस कॉलेज का एंट्रेंस है, इस तरफ ऑफिस वगैरह, और ये डायग्राम है, मैंने इससे आपको पूरा कॉलेज जो है समझ में आ जाएगा। बट सबसे पहले चलते हैं अपने ब्रांच की तरफ और अपने क्लास में, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। देख लो, जो लोग टॉप वॉप किए हैं उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है लिस्ट में, और ये वाला क्लास जो है अपना है। तो गाइस अपना क्लास है ये वाला, देख लो, बीटेक थर्ड सेम 4th सेमेस्टर क्लास सर आ गए। सो भी गाइस टाइम हो रहा है 11:30, देर अभी जो है हम लोगों की एक क्लास जो है ख़त्म हुई, उसके बाद 2 क्लास और होगी 11:30 से 12:30, उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक का, तो 3 क्लास होती है। उसके बाद जो है 1:30 से 2 बजे तक का लंच चलता है, उसके बाद लैब का पीरियड आता है, तो आज कंप्यूटर एडेड ड्राइंग तो उसका लैब है। तो फिलहाल तो अभी एक क्लास हुई है, बाय द वे ये कुछ क्लासमेट है मेरे। गाइस अभी सर तो नहीं आए हैं, तो फिलहाल आपको अपने क्लास का तो है थोड़ा सा गाइड दे देता हूँ मैं। देख लो, इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट है, टेबल वगैरह सब, बाकी अपने क्लासमेट्स। देन ये अपना मेन एकदम बेहतरीन चीज़ है जो ये है, और ये स्मार्ट बोर्ड है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और बाय द वे कहीं लाइट बंद हो जाती है तो उसके लिए पढ़ने के लिए अपना व्हाइट बोर्ड है, सिंपली मार्कर वाला, बट ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। इस पर ये खास इसका पेन है, और इसमें चलता है कनेक्शन, इसमें देख लो सभी प्रकार के कनेक्शन है, मोबाइल भी, पीसी भी, यूएसबी, इंटरनेट सब। तो
एकदम सर्व सुविधा युक्त क्लास है ना। और ये जो है ये मेन काफी बेहतरीन और बड़ा मशीन है, इनफैक्ट 2-3 लाख का महंगा भी है। यहाँ पर से एक लॉक खुलता है, देन इसके अंदर ही एक पीसी फिट है जो डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता है। और नेट चलाने की बात की जाए तो यहाँ पर लैन सर्विस कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो कभी कभी कनेक्ट करके चलाते हैं। बाय द वे हॉटस्पॉट से अपने क्लास वाले लोग जो है मस्ती करते रहते हैं। देन अभी हम लोगों का सेकेंड क्लास जो है होना है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 1:30 और मतलब लंच वंच कर लिए तो 1:40 के आसपास टाइम हो रहा है। मैं भी लंच लाया था कर लिया, बट मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि जब सेकेंड क्लास था ना उसके बाद वॉशरूम गए थे तो पानी बॉटल भर के रखा था और पता नहीं वहीं छोड़ के गया था वॉशरूम, लेकिन नहीं गया तो कोई पानी बॉटल जो है गायब कर दिया, तो मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया मेरे को। चलो खैर छोड़ते हैं, बाय द वे आप क्लास से निकलते हैं और आपको जो है मैं पूरा अपना कॉलेज दिखाता हूँ, ठीक है। इधर लंबा सा और इधर लंबा सा, उधर स्टार्टिंग है। तो बाय द वे सबसे पहले देख लो तो ये मैकेनिकल की क्लास है। और मेरा फ्रंट शो करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरफ से वो क्लासेस है। वो कौन से ब्रांच की है वो आपको आगे जो मेन वहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कॉलेज का मॉडल उससे पता चल जाएगा। बाय द वे ये बैडमिंटन का एक खाली कोर्ट है। इस तरफ जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती है और ये अपनी क्लासेस है बीटेक के लिए मैकेनिकल की। और ये हमारी सीनियर की जस्ट थर्ड ईयर वालों की क्लास है। इस तरफ से क्लासेस है पूरी वहाँ तक की, फिर उसके बाद जो है वर्कशॉप एरिया है। तो गाइस आगे चलता हूँ, आपको ये लास्ट तक कहाँ जाता है वो बताता हूँ। यहाँ पर से एक सीढ़ी है तो ये ऊपर फ्लोर में जाती है ना, ऊपर फ्लोर में भी काफ़ी सारे क्लासेस है। ये यहाँ के कुछ लैब्स, यहाँ पर हम लोगों का सॉफ्टवेयर लैब होता है। फिर इस तरफ इधर वॉशरूम वगैरह है, ठीक है। ये दूसरा सेक्शन है, उस तरफ फिर प्रैक्टिकल वगैरह करने का। और ये अपना मैकेनिकल ब्रांच का HOD सर का रूम है, ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच देख लो, स्पेशली इस पर लिखा ही हुआ है। और फिर आगे जो है सिविल डिपार्टमेंट आता है वहाँ पर से। और ये हम लोगों का जो कैट का जो कंप्यूटर लैब है वो है। यहाँ भी अब व्लॉग बनाऊँगा जिस दिन लैब रहेगा उस दिन। बाय द वे अभी आपको आगे दिखाता हूँ मैं फिलहाल। तो गाइस ये देख लो सिविल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ना, तो इस तरफ सिविल डिपार्टमेंट्स की जो है क्लासेस है पूरी वहाँ तक की। और फिर इधर वर्कशॉप एरिया है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए जितने भी मशीनें होती हैं लेथ मशीन ये सब वगैरह वो सब वर्कशॉप के डिपार्टमेंट में है। और ये गैलरी वाला क्लास है, ये देख लो हमारे सीनियर्स की क्लास है। बट अभी हमारा क्लास लगा गया, हाँ आपको दिखाऊँगा मैं थोड़ी देर में। तो इस तरफ प्रैक्टिकल करने के लिए ये मेजरमेंट लैब है इस तरफ, और इस तरफ पूरा वर्कशॉप एरिया है, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये देख लो गाइस ये है वर्कशॉप एरिया, देन ये डिस्पेंसरी, और फिर इस तरफ से वर्कशॉप के लिए ये मशीन शॉप ऐसा करके ना, इस तरफ भी मशीन वगैरह है पूरा स्टडी करने के लिए, देख लो यहाँ का। और उस तरफ पूरा उधर भी है वर्कशॉप जो है, इधर भी है, तो ये पूरा एरिया है वर्कशॉप का। सभी गाइस आपने देखा वर्कशॉप और ये सिविल एरिया डिपार्टमेंट। ऐसी ही सारी बिल्डिंग जो है बनी हुई है, उन पे सबका डिपार्टमेंट जो है ब्रांच वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये पानी यहाँ पास मेरा पानी बोतल जो है गायब हो गया। बाय द वे वापस से मैं अपने क्लास के पास आ गया हूँ। तो यहाँ मेन GEC बिलासपुर में 7 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल माइनिंग 4 हो गया, उसके बाद CS IT एंड ET&T, तो ऐसा करके 7 ब्रांच है यहाँ पर। और जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये जो सेक्शन है ना इस तरफ, ये पूरा सेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल वालों का है। यहाँ पास से ये एरिया पूरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का है। देन यहाँ पास मंच वगैरह, ये मेन फेस है बोल दो, एकदम स्टार्टिंग सेक्शन है। देन उस तरफ है ये जो बिल्डिंग है वो स्टूडेंट सेक्शन उस तरफ, और फिर ये ऊपर लाइब्रेरी है और इसके ऊपर भी लाइब्रेरी है। तो जो कॉलेज का आउटलाइन है वो स्ट्रक्चर आपको शो करता हूँ, जो कि कॉलेज के एंट्रेंस गेट के सामने पर यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो गाइस यहाँ पर मेरे कुछ सीनियर सर्स लोग हैं जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, 4th ईयर के सर हैं ये मेरे। हेलो एवरीवन, ये जो हमारा कॉलेज का प्रॉपर मॉडल है
और ये मॉडल कुछ ऐसा वैसा नहीं, ये प्रॉपर स्केलिंग मॉडल है एस इट इज़, जैसे कि ये ओरिजिनली है वैसे ही उसी मॉडल और उसी स्केलिंग में ये बना हुआ है। तो ये हमारे एंट्रेंस है जो हमारी मेन बिल्डिंग का ये पार्ट है, इसमें AT&T बिल्डिंग इंक्लूड नहीं है, ये मेन पार्ट है। यहाँ से एंट्रेंस एंड प्रिंसिपल ऑफिस, फिर ये आपकी इलेक्ट्रिकल वाली डिपार्टमेंट जो ये रो आप देख सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसके जस्ट पीछे फॉलोड बाय माइनिंग डिपार्टमेंट, और माइनिंग डिपार्टमेंट से जस्ट जुड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर का ब्लॉक, या K1 K2 K3 या फर्स्ट ईयर का ब्लॉक है, या केवल और केवल फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते हैं। ये जो गैलरी आगे जाती है यहाँ पर मैथ्स डिपार्टमेंट है, यहाँ मैथ्स के फैकल्टीज बैठा करते हैं, और ये वाला जो आप पूरा का पूरा रो देखते हैं ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, यहीं पर आपको एक छोटी कार भी मिल जाएगी जो एक देखने लायक चीज़ है। साथ ही साथ अगर आप आगे जाते हैं तो एक सिविल डिपार्टमेंट का पूरा आपको सीरीज दिखेगा, यहाँ पर लैब्स हैं बहुत प्रकार के, जियोटेक लैब, स्ट्रक्चर एनालिसिस लैब, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लैब। इसके बाद हमारे कॉलेज के पीछे में लास्ट पार्ट में आपको वर्कशॉप मिल जाएगा, जहाँ वेल्डिंग शॉप, मोल्डिंग शॉप और अन्य प्रकार के बहुत सारे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लेबोरेटरीज भी है उसके बीच में। तो इस प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं कि यह हमारा कॉलेज था, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ये सब इस बड़े बिल्डिंग में रहती है। इस प्रकार से एक सुभाष गार्डन नाम का एक छोटा सा गार्डन है जो कि चार चांद लगाता है हमारे कॉलेज को। पार्किंग के लिए दो स्लॉट बनाया गया है और उसमें छज्जे बनाए गए हैं ताकि बच्चों के गाड़ियाँ रख सके। इस प्रकार से ये हमारा प्यारा सा GEC कम्प्लीट होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बाय द वे ये एक कैंटीन है, ठीक है। तो जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पर AT&T की जो है बिल्डिंग्स शामिल नहीं है, क्योंकि वो नई बिल्डिंग्स बनी है जो कि कॉलेज के बाहर में है, तो उधर भी आपको मैं शो कर दूंगा कि वो बिल्डिंग बनी किस तरफ है। तो गाइस GEC बिलासपुर के बारे में एक और स्पेशल थिंग जो है, वो हमारा कॉलेज जो है NBA बोर्ड से, क्या बोलते हैं सर इसको, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से प्रोवाइड है, मतलब कि वैसे इनिशिएटेड एक्रीडिएटेड है। हमारे कॉलेज की जो डिग्रीज है उनमें आप लोगों को डिग्री के साथ साथ NBA डिग्री सर्टिफिकेट मिलती है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के मार्केट में। यस, तो ऐसा मोटी मोटा आपको बता दूँ तो NBA डिग्री ये डिग्री होता है जो बाहर में, मतलब फॉरेन कंट्रीज भी उस डिग्री को वैल्यू देती है ना, वो डिग्री जो है NBA वाले जो है उसको प्रमोट करते हैं, देते हैं, तो के अंदर हमारा कॉलेज भी आता है GEC बिलासपुर। तो जब हम लोग भी पास होंगे ना, फिलहाल यहाँ से जब निकलेंगे तो हमारे लिए भी NBA ऑथराइज्ड मतलब संस्था जो हम लोग पढ़ के निकले हैं वो है अपना GEC बिलासपुर, ऐसा है, ठीक है। सो गाइस सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी, मैं तो इस कॉलेज में नया हूँ ना, तो मेरे उतना नॉलेज नहीं है जितना सर को है, सर फाइनल ईयर वाले हैं, मेरे सुपर डुपर सीनियर हैं, तो इनका काफ़ी शुक्रिया। बाय द वे ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जिसको GEC की और जानकारी बता दो तो GEC और ऑल बेस्ट है। सर तो यहाँ 3 साल पढ़ चुके हैं तो इनसे पूछ रहे थे कैसा लगा, सर आप यहाँ 3 साल पढ़ चुके हैं तो आपका थोड़ा सा बता दीजिए कि। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बच्चा 12th के बाद आता है तो कुछ नया क्रिएटिव और इनोवेशन करना चाहता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपको उस मुकाम तक ले जाती है, वो मेंटलिटी आपको वो मैच्योरिटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है जो आपको वास्तविकता में चाहिए। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप GEC आ सकते हैं। बिल्कुल देखिए कि यहाँ GEC में क्या होता है, और भाई के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। सो गाइस कुछ इस प्रकार से था, अपना GEC जो है बेस्ट है, और यहाँ तो अभी 3 साल बिताना है, मेरे को मचाएंगे और मज़ा भी आएगा। बाय द वे ऊपर जो लाइब्रेरी सेक्शन है वो ऊपर जाके आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। सो गाइस इस तरफ से मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है लाइब्रेरी, यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी। वैसे दो फेस में होता है, ये एक OBC वाला होता है और उस तरफ STS वाला। तो ऊपर में जो है माइनिंग ब्रांच वालों की क्लास लगती है, देन उधर वही सिविल वगैरह वालों की। तो ये कुछ सेक्शन है जो कि पूरा सर ने एक्सप्लेन किया वैसे ही है, सेम टू सेम। तो ये कुछ कॉलेज था, बाकी मैं बताऊँ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहा, मेरे को ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ना इस कॉलेज में, बिलासपुर में आके ना मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। जो पॉलीटेक्निक कॉलेज था उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो कि मेरा लास्ट कॉलेज था ना, उसके बाद यहाँ आके तो मैं एकदम धन्य ही हो गया हूँ। और बैचमेट क्लासमेट भी सारे बढ़िया है, सभी फ्रेंडशिप वगैरह हो गए तो मज़ा आता है कॉलेज में। सो गाइस ये कॉलेज का मेन गेट है, तो कॉलेज तो देख लिया है ना, देन उसके बाद सामने जो है जो छोटा सा गार्डन जो है ना, शान बोल रहे थे सीनियर भैया, तो ये है अपना सुभाष उद्यान, देख लो, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर का। अभी लंच हुआ है इसलिए
काफी सारे स्टूडेंट सारे फ्रीली हैं। बाय द वे इस तरफ बैठे हैं वो लोग तो मेरे क्लासमेट्स हैं, देन इस तरफ अदर ब्रांच के सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं। एरिया वहाँ से यहाँ पर का फिर ऐसा करके एक छोटा सा गार्डन है। तो भी गाइस आपको मैंने जो गार्डन है पूरा 360 डिग्री व्यू दे दिया है। उसके बाद इस कॉलेज में जो तीन ब्रांच है ना ETNT और CS और IT उसकी जो नई बिल्डिंग्स है ना वो है उस तरफ, ठीक है। रुको एक मिनट, इस तरफ जो है नई बिल्डिंग्स है तो जब छुट्टी होगा ना तभी तो क्लास लगने वाली है मेरी 2 बजे के बाद से, फिर लैब की क्लास होगी तो देन उसके बाद ना उस तरफ की बिल्डिंग्स भी दिखा दूंगा। वैसे तो मैं अभी तक खुद ही नहीं गया हूँ, 2 हफ्ता आ गया तो अपना ब्रांच तो इधर है ना तो उधर काहे जाऊँगा करके नहीं गया हूँ, बट जाएंगे और उधर भी एरिया आपको दिखला दूंगा। बाकी ओवरऑल कॉलेज तो बहुत ही बेहतरीन है। मेरा जब यहाँ है ना बिलासपुर तो मेरे लिए एक मोमेंट ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, क्योंकि मेरे को सिटी में पढ़ना था और चूंकि जो सच हो रहा है शहर में हूँ बिलासपुर में हूँ और पढ़ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। और कॉलेज अभी तो 3 साल है तो फुल मज़ा जो है आने वाला है। बाद में अभी लोग नहीं पहचानते मेरे को बट धीरे 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 सब पहचान जाएंगे। तो भी गाइस 2 बज चुका तो जा रहे हैं फाइनली क्लासरूम की ओर। और जो इस बार बताया था ना कि जो सीनियर्स की क्लास थी उस पर अभी हमारी कैम की जो है क्लास लगेगी, तो वो एक गैलरी वाली क्लास है। ये क्लास है अपनी, तो भी गए टाइम हो रहा है 3:30 तो अभी क्लास जो है ख़त्म हो चुकी, सर गए नहीं है अभी। तो ये कुछ गैलरी क्लास है तो आज यहाँ पर एक थ्योरी पोर्शन चला, देन जो कैम का है उसके बाद लैब में कंप्यूटर लैब में हम लोग खुद बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी काफ़ी मज़ेदार रहता है। आज नहीं है वो बट जिस दिन होगा वो किसी न किसी ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं, अब फाइनली आज का तो पूरा कॉलेज ओवर हो चुका, ठीक है। तो अभी आपको मैं ETNT वाला बिल्डिंग दिखाता हूँ। सो गाइस इधर अपना कॉलेज है ना जो मेन कैंपस है बोल दो, फिर आने के टाइम मैं उस तरफ से आया था और ये रोड सीधी भी जाती है, देन उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद लेफ्ट तरफ इस तरफ जो न्यू बिल्डिंग वाला है वो इस तरफ ये वाला रोड है और ये जाता है इस तरफ CS और IT वाले लोग बैठते हैं, तो ये बिल्डिंग भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये है अपना, अभी ये जो ट्रेजर है कुछ इवेंट हुआ था कॉलेज में उसमें इस बार पार्टिसिपेट नहीं लिए बट ऐसा कुछ कुछ इवेंट कॉलेज में है ना होता रहता है। ये है जो ETNT CS और IT विभाग वालों का कैंपस है। यहाँ पर वॉलीबॉल चल रहा है, सो ये कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ का, इधर क्लासेस वगैरह, इधर भी तो मे बी वो सब क्लासेस है, देन ऊपर भी क्लासेस है। बाकी यही जो है CS और IT वालों का बिल्डिंग है ऐसा बोल दो। तो फाइनली यहाँ भी कॉलेज खत्म हो चुका है और बस खेल रहे हैं टाइम पास जो है बच्चे लोग यानी फिलहाल मैं भी चलता हूँ घर। अब मेरा आज का पानी बॉटल गुम गया, उसके लिए लाइक ज़रूर करना, कमेंट में रेस्ट इन पीस माई बॉटल। सो भी गाइस शाम के बज रहे 5 और थोड़ा सा और काम था इधर उधर घूमते घूमते करके फाइनली घर पहुंच चुके हैं। एक चीज जो होता है ना जब नए स्टूडेंट आते हैं तो फ्रेशर पार्टी वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, और जो फ्रेशर पार्टी होगा ना मैकेनिकल वालों का उसका व्लॉग तो ज़रूर आएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कर ही लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और 3000 सब्सक्राइबर के भी काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ मैं ये चीज़ बोल रहा था कि अचानक से ये कॉलेज मैंने कैसे ज्वाइन किया, ये एकदम अचानक से हो। वैसे तो इसके बीच में काफ़ी सारा टाइम गैप है, और जब मैं प्लान जा रहा था ना तो स्टोरी सुनो, ये कहानी है एडमिशन होने की, प्लान जा रहा था ना उसी समय लेटर एंट्री का फॉर्म जो है निकला हुआ था, तो अपने पॉली का मार्कशीट आया, उसके बाद काउंसलिंग के लिए मैं प्लान के बीच से ही मतलब जस्ट प्लान जा रहा था ना उसी टाइम पर मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, तो फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नाम जो है नहीं आया था, किसी भी कॉलेज अलाउट नहीं हुआ था। देन सेकेंड काउंसलिंग में वो दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था, हाफ टाइम गया था और उसके बाद काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई किए थे, तो सेकेंड काउंसलिंग में ना मेरा नाम आया GC बिलासपुर में, फिर 10 तारीख को नाम आया और 11 को मैंने आके यहाँ पर एडमिशन ले लिया था। तो इस तरह से कुछ है, तो उस टाइम से पिछले महीने की 11 तारीख को यहाँ एडमिशन ले लिया था GC बिलासपुर में, बस ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट था आपको बताने के लिए। सो बेसिकली लेटर एंट्री लिया है मैं, ये पॉली करने के बाद ले सकते हैं,
तो पॉली किया है मैंने, तो इसलिए लेटर एंट्री ये होता है कि मेरे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है मेरे को। तो सेकेंड ईयर से मैं इधर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा 3 साल और, तो 4 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर माफ हो गया सेकेंड ईयर से। तो और सेकेंड ईयर में आऊँगा तो मेरे को फर्स्ट ईयर का 4 एग्ज़ाम बस और दिलाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री M1 और M2 यानी Maths 1 Maths 2, बस 4 एग्ज़ाम दिलाने हैं और 4 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा दिलाने हैं, और 2 ईयर सेकेंड ईयर का तो दिलाना ही पड़ेगा, तो कुछ 4 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा दिलाने हैं। लेटर एंट्री वालों को ये करना ही पड़ता है, और मेरे क्लास में ना भी 3 लेटर एंट्री वाले हैं, मैं और 2 और हैं। सो गाइस इस व्लॉग को करता हूँ यही पर एंड में, घर में काफ़ी सारा काम पड़ा है। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और मेरे कॉलेज के वेयर्स में सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, माय यूट्यूब चैनल ज़रूर कर लो, अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालते ही रहता हूँ मैं, ठीक है। हालांकि अब थोड़ा डेली व्लॉग ये सब वगैरह नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि अब काम ही नहीं है, घर से भी दूर हूँ, ठीक है। तो पर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगा तो प्लीज़ करना, और मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और ऑसम व्लॉग में। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, है ना, बाय।